है सलमान की राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का नया पोस्टर। इसी के साथ क्या रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है, कब धमाका मचाने वाली है राधे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉली ग्रास स्टूडियोज, मैं सोनिका जाय। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की एक्शन से भरपूर फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है। वहीं फैंस इस फिल्म की रिलीज डेट का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो अब सलमान के फैंस का इंतजार खत्म हुआ क्योंकि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। सलमान ने अपनी इस ड्रामा एक्शन और एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्म के नए पोस्ट के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी आने वाली फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का नया पोस्ट शेयर करने के साथ ही फैंस को बताया कि ये फिल्म 13 मई 2021 को रिलीज की जानी है। फिल्म के नए पोस्टर को शेयर करते हुए सलमान खान ने कैप्शन में लिखा, ईद का कमिटमेंट किया था, ईद पर ही आएंगे क्योंकि इस बार जो मैंने किया है वो निभाएंगे। इस कैप्शन के साथ सलमान खान ने #RadheOn13May #2MonthsToRadhe # का इस्तेमाल किया है। राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के नए पोस्टर में सलमान दबंग अंदाज में नजर आ रहे। तस्वीर में आप देख सकते हैं उन्होंने हाथ में बंदूक पकड़ी हुई है, वो नीचे की तरफ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी स्टनिंग ये तस्वीर है, जैसे कि सल्लू भाई जान जैसे डैशिंग लगते हैं वैसे ही लग रहे हैं। फिल्म की बात करें तो इसमें सलमान खान के अलावा दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा, जैकी श्रॉफ जैसे अहम किरदार नजर आने वाले हैं। फिल्म को सलमान खान फिल्म्स ने जी स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रस्तुत किया है, जिसका निर्माण सलमा खान, सोहेल खान और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने किया। वहीं आपको बता दें, फिल्म ईद के मौके पर 13 मई 2021 में रिलीज की जानी है। इसके अलावा सलमान खान फिल्म अंतिम में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में सलमान खान के साथ उनके बहनोई एक्टर आयुष शर्मा और साउथ इंडियन सिनेमा के जाने मानी अभिनेत्री प्रज्ञा जायसवाल लीड रोल प्ले करने वाली है। प्रज्ञा ने कई सुपरहिट तेलुगु फिल्मों का दिया है और बहुत ही फैन फॉलोइंग है उनकी, ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, आखिरी तारीफें की जाती है। और अब राधे और मोस्ट वांटेड भाई के ज़रिए वो धमाल मचाने को तैयार है। इसके अलावा इस फिल्म में जैकलिन का भी एक आइटम नंबर होने वाला है। वहीं दिशा पाटनी और सलमान की जो जोड़ी है, केमिस्ट्री है, वो भारत में भी दिख चुकी है एक गाने के जरिए। तो अब देखना होगा कि राधे और मोस्ट वांटेड भाई कितना धमाका मचा पाती है। जो पब्लिक थिएटर में नहीं आ रही थी वो क्या खींची चली आएगी, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। और इसके पूरे आसार लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस बारे में, कितना इंतजार है राधे का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।